गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज फिर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का भूगोल। यह जो पूरा वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो 2022 और 23 में अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी परीक्षा में जो है भूगोल की परीक्षा बेहतर करना चाहते हैं। पहले चैप्टर का वीडियो अपलोडेड है, आज से दूसरे चैप्टर का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरे चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका ये पहला पार्ट है और पार्ट बाय पार्ट हम लोग पहले ही चैप्टर वन में बता चुके हैं कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये पहला पार्ट है और पहला पार्ट जो है ये एक परिचय पार्ट है। परिचय का मतलब होता है कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आखिरकार भारत के भौतिक स्वरूप में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ऐसी क्या क्या चीज़ें दी गई है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर में आगे बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए दिया गया है तो वो सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर में भारत के भौतिक भूगोल को अलग अलग तरीके से मैं आपके सामने पेश करूंगा। इसमें अलग अलग मानचित्र, 3D मानचित्र, 2D मानचित्र, जो भी मानचित्र लगेगा उन मानचित्र के सहारे अलग अलग सिद्धांतों को बताऊंगा ताकि आप चैप्टर को आसानी से समझ सके और चैप्टर में जो भी चीज़ें दी गई है उससे आप रूबरू हो जाए। तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए के प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए शुरू से चीजों को समझते हैं। चैप्टर 2 के पूरे वीडियोस में आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, उसे आप कॉपी में लिखते चलिए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक कॉपी ले लीजिए और साथ में एक पेन लेते चलिए और जो भी आपको जरूरी चीजें लगता चलेगा उसको लिखते चलिएगा। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में क्या दिया गया है। इस चैप्टर में दिया गया है भौगोलिक आकृतियों के बारे में। और अगर हम बात करें भारत की भौगोलिक आकृति को तो भारत के भौगोलिक आकृति को हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला सवाल अगर आपके मन में ये सवाल है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, और दूसरा सवाल है कि भारत के भौगोलिक आकृतियों का विभाजन कितने भागों में किया गया है, सवाल का जवाब है 6 भागों में। तो ये आप कॉपी में लिख सकते हैं। पहला जो विभाजन है उसे हम कहेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरी जो विभाजन है उसे हम कहेंगे उत्तरी मैदान, तीसरा जो है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है जो द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से 6 है। आइए आपको मैप में दिखाते हैं। तो अगर आप मैप में देखें तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है, जो मैं अभी लाल रंगों से रंग रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इलाका जो दिख रहा है ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यानी यहाँ पर केवल और केवल पर्वत मिलेगा। इसको भी अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। ये पूरा का पूरा हिमालय है। हिमालय के बाद हमारे किताब में जो दूसरा दिया गया है, वह जो दूसरा भाग है वह है उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान कहाँ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ भी है उत्तरी मैदान। तो ये जो इलाका है चूंकि उत्तर में पड़ता है और ये पूरा मैदान है, मैदान का मतलब समतल जमीन है, तो इस इलाका को हम उत्तरी मैदान कहते हैं। तो इस उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो भाग है भारत का भौतिक भाग। इसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है वह प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो आपको इस रंग में दिख रहा है, ये जो ब्राउन रंग में दिख रहा है बीच में शेडेड क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये पठार है, पठार जो है वो पहाड़ से थोड़ा सा ऊंचा होता है, माफ कीजिए, जो है पर्वत से थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे कि ये अगर पर्वत है, ये मान लेते हैं ये पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है, तो पठार क्या है, पठार ये है पठार। तो पठार जो है एक मेज वाला आकृति होता है। पहाड़ में ये कौन दिखेगा, आपको ये कौन दिखेगा पर्वत में, पहाड़ में, जबकि पठार में वैसा कौन नहीं दिखाई देगा, ऊपर में बिल्कुल समतल दिखाई देगा। इस आकृति को हम कहते हैं पठार। तो ये वाला क्षेत्र पठार है और ये वाला क्षेत्र आपका पर्वत है। तो आपको पर्वत और पठार में अंतर समझ में आ गया होगा। ये जो जितना भी अभी मैं लाल रंगों से रंग रहा हूँ, ये सारा का सारा क्या है, पठार है। इन क्षेत्रों में केवल और केवल पठार फैला हुआ है। इन पठारों के भी कई सारे पर्वत बड़े बड़े हैं, कई पर्वत श्रृंखलाएं भी है, तो उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पठार भी आप पहचान गए, पर्वत भी पहचान गए। अब अगला है भारतीय मरुस्थल। तो कहाँ है मरुस्थल, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब के और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है भारतीय मरुस्थल। ये रहा मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, यही वाला मरुस्थल थोड़ा सा जो है फैला हुआ है पाकिस्तान में, जिसको मिला करके हम कहते हैं थार मरुस्थल।
तो थार मरुस्थल भारत का ही सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसे हम लोग थार मरुस्थल कहेंगे, जिसका ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो राजस्थान के बड़े इलाकों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है तटीय मैदान। तट के आसपास वाले मैदान को तटीय मैदान कहते हैं। तो समुद्र तट के किनारे जो भी मैदान है, जो मैं अभी ब्लू रंगों से रंग रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो इन इलाकों में जो मैदान है उन मैदानी भाग को हम कहते हैं तटीय मैदान। तो तटीय मैदान भी भारत के पास एक लंबा तटीय मैदान है, और तटीय मैदान भी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में भी कृषि की जा सकती है, और इसमें अलग अलग कई महत्वपूर्ण फसलों को उगाया जा सकता है। तो भारत के पास एक लंबा तटीय मैदान भी है। तो तटीय मैदान भी अगला भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तटीय मैदान के बाद अंतिम में आता है द्वीप समूह। और भारत के पास दो द्वीप समूह हैं। तो दो द्वीप समूह कौन कौन से हैं? पहला तो ये रहा लक्षद्वीप, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीप क्या होता है? वह क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी है, ये एक जमीन है, और इस जमीन के अगर चारों तरफ पानी है तो हम उसे बोलेंगे द्वीप समूह। क्या बोलेंगे? द्वीप समूह कहेंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। इसे आइसलैंड भी कहा जाता है, आइलैंड वगैरह आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर कहीं है जमीन, ऐसा जमीन जो जिसके तरफ चारों तरफ पानी है, तो वह द्वीप समूह कहलाता है। भारत के पास दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीप समूह के बारे में, इनके गुणों के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो हमने समझ लिया कि ये है भारत के छह भौतिक स्वरूप, जिसमें पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर आता है उत्तरी मैदान, फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, फिर आता है भारतीय मरुस्थल, फिर आता है तटीय मैदान, और फिर द्वीप समूह। भारत के इन्हीं भौतिक स्वरूपों को हम लोग डिटेल से आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज शुरुआत पहले चीज़ों को समझने में करते हैं। तो सबसे पहले भारत में जितना भी भूभाग है, जितना जमीनी क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्रफल है, उसका करते हैं विभाजन। तो अगर आप जमीनी क्षेत्र को मोटे तौर पर बांटेंगे तो उसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग होगा वह कहलाएगा मैदान, जो समतल होगा, बिल्कुल मैदान, जो खेती करने के लिए जरूरी होगा। एक और होगा पठार। तो या तो मैदान होगा, या तो पठार होगा, या तो होगा पर्वत, या तो क्या होगा, पर्वत होगा। एक मैदान है। तो अगर हम बात करें भारत की जमीन, तो भारत की जमीन में ज़्यादातर इलाका मैदानी है। लगभग 43% यानी 43% भाग जो है वह मैदान है। फिर आता है माउंटेन यानी पर्वतीय भाग। तो पर्वतीय भाग कितना है? 30% है। और फिर आता है पठार। तो पठार वाला भाग कितना है? 27% भाग पठारी है। यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है सारी चीज़ें। इसमें पॉइंट को भी जो है ऐड कर दिया गया। 27.7% पठारी क्षेत्र है, 18.6% पहाड़ी क्षेत्र है, और 10.10% पर्वतीय भाग है। तो इसमें पठार और पर्वत को क्या कर दिया गया है, जो है अलग, और इसमें एक और चीज़ को अलग किया गया है, वह है पहाड़ी क्षेत्र को। लेकिन बुक में यानी इस पाई चार्ट में क्या किया गया है, ये जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू कितना है? पठारी भाग 27%, और पर्वतीय और पहाड़ी भाग कितना है, दोनों मिला करके जो है 30% के लगभग में है। तो दोनों को साथ लिखा गया है। तो ये दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा पर्वतीय वाला पर्वत, ठीक है? तो इसमें दोनों मिला लिया था, पर्वतीय भाग और पहाड़ी भाग यहाँ पर अलग कर दिया गया है, दोनों मिला करके 30% है। आप ये वाला चार्ट याद रखिएगा कि जो मैदानी भाग है वो 43% है, और जो पहाड़ी वाला भाग है वो 30% है, और जो पठार वाला भाग है वो 27% है। टोटल मिला करके अगर यहाँ पर लिख दे तो यह लाल वाला 43% है मैदान है, और हरा वाला जो पर्वत है वह कितना प्रतिशत है? पर्वत है 30%, और पठार कितना प्रतिशत है? 43% जमीन पर पठार है। आप यहाँ पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मानचित्र को देख करके कि ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल प्लेन वाला इलाका दिख रहा होगा। ये दिख रहा है, ये बिल्कुल थोड़ा सा समतल है। तो ये जो इलाका है ये है मैदान। ये क्या है? मैदान। और इस मैदान में, इन क्षेत्रों में रेगिस्तान फैला हुआ है, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है रेगिस्तान। तो इसको हम माइनस कर देते हैं। लेकिन बाकी इलाका आप देखिए कितना प्लेन है, समतल जमीन है, और इन जमीनों में ही हो सकती है खेती, और इसीलिए हम इसे कहते हैं मैदानी इलाका। मैदानी इलाका, मैदानी इलाका के ऊपर अगर आप देखें तो इन सभी इलाकों में केवल और पहाड़ और पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, या फिर हम इसे पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। इसमें ऊंचे ऊंचे हजारों, लगभग लगभग 1000 जो है, 2000, 8000 इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं।
इसके बाद अगर आप इन इलाकों के अलावा इसमें अगर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन इलाकों में भी आपको जो है कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे, लेकिन ये उतने ऊंचे नहीं है जितना ऊंचा ये वाला है, इसीलिए हम इसे पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो ये कुछ पठारी इलाका देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से भारत का भौतिक स्वरूप देखने को आपको मिलेगा। अगर आप इसे हरे रंगों में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से अलग अलग क्षेत्रों को पहचाना जा सकता है। अब सवाल आता है कि इस तरह की आकृति बनी कैसे? तो इस तरह की आकृति बनने के पीछे कई सारे वैज्ञानिक रीजन हैं, वैज्ञानिक कारण हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारी जो धरती है वह अलग अलग प्लेटों में बटी हुई थी, और इस प्लेटों के कारण ही जो एक प्लेट है और जो दूसरी प्लेट है वह या तो आपस में टकरा गई, जिसके चलते एक प्लेट नीचे चली गई और दूसरी प्लेट चली गई ऊपर, और ऊपर आने के चलते बन गया पहाड़। बन गया क्या? पहाड़। तो यहाँ पर प्लेन रह गया, लेकिन एक जगह पर पहाड़ बन गया। तो ऐसे कई सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं, और इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के चलते पहाड़ पर्वत जो है ये निर्माण हुआ है, मैदानों का निर्माण हुआ है। तो भू आकृति का निर्माण कैसे हुआ है? इन भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत हैं, और इनमें से एक सिद्धांत का क्या नाम है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो आपको यही वाला सिद्धांत याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के चलते इन भू आकृति का निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है कि जो भौतिक आकृतियां हैं इनका निर्माण करने की व्याख्या करने का कोशिश करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पूरी पृथ्वी, जितना भी पृथ्वी है उसके ऊपर की जो परपट्टी है, यानी कि ऊपर का जो प्लेट है, मान लेते हैं कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर से एक और धरती की प्लेट, ऐसे करके मान लेते हैं धरती धरती जो है रखी हुई है, जमीन रखा हुआ है, अंदर गोल है, अंदर हमारी पृथ्वी कैसा है? गोल है। उसके ऊपर से ये जमीन रखा हुआ है, और ऐसा करके कितना जमीन रखा हुआ है? सात बड़ी बड़ी जमीन है, यानी कि एक बार में नहीं रखा गया बल्कि सात टुकड़ों में रखा हुआ है। कुछ बड़ी बड़ी है और कुछ छोटी छोटी प्लेटें इसमें रखी हुई है। जैसे कि ये रहा अफ्रीकी प्लेट, तो अफ्रीकी प्लेट कहाँ है? देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये देख सकते हैं, लाइन आपको दिख रहा होगा। तो ये जो लाइन है ये किसकी प्लेट है? ये अफ्रीकन प्लेट है। इसके बाद इस अर जाइए तो ये देख सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये कुछ इस प्रकार से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो प्लेट है ये कौन सा प्लेट है? ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इस तरह से यहाँ है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट इधर भी दिख रहा होगा आपको, दक्षिण अमेरिकन प्लेट। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है प्लेट, प्लेट का मतलब हो गया यहाँ पर जमीन है, और ये जमीन क्या हो रहा है? खिसक रही है, और खिसकने की प्रक्रिया के चलते ही यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र जो है बन रहा है। यहाँ पर सारा नाम लिखा है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कुल मिलाकर के सात बड़े प्लेटों के नाम यहां पर मैंने लिख दिया है। प्लेट क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, और इन्हीं गति के चलते जो है इन सभी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। प्लेट किस प्रकार से गति कर रहे हैं? मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो ये वाला ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है, कुछ इस प्रकार से गति हो रहा होगा। एक और ये दो प्लेट लेते हैं, ये इस ओर आ रहा है, ये भी इस ओर आ रहा है, तो धीरे धीरे ये आपस में आकर के टकरा जाएंगे, और टकराने से हो सकता है इनके बीच में जो है दरार आएगा, टकराव होगा। दो तरह का है। एक और कैसा हो सकता है? या तो दोनों साथ में एक ही दिशा में आता होगा, जैसे ये नीचे जा रहा है ये भी नीचे जा रहा है। हो सकता है एक और स्थिति, ये ऊपर जा रहा है और ये भी क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ऐसे कई जो है बनाया जा सकता है स्थितियां जिसमें ये प्लेटें गलत गति कर रही है। तो सीधा आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर जो भी आकृति बना है, चाहे पहाड़ बना है, पर्वत बना है, हिमालय बना है, मैदान बना है, पठार बना है, ये सारी प्लेटों की गति के कारण बना है, और कुछ पृथ्वी के आंतरिक गति के कारण, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी का फटना हो गया, इन सभी कारणों से बना हुआ है। अब आपको पता चल गया कि जो जमीन है ये ऊंचा नीचे क्यों दिख रहा है, इसका मुख्य कारण आपको पता चल गया। अब आइए बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला कौन था? हम आपको भारत के सात विभाजन के बारे में बताए थे, जिसमें सबसे पहला है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में अगर कहा जाए तो हिमालय जो है ये नया नया बना हुआ पर्वत है, इसे हम लोग वलित पर्वत कहते हैं।
हिमालय पर्वत का निर्माण भी एक लंबी वीडियो है, तो इस पर एक हम अलग से वीडियो बना देंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, इसका एक स्पेशल वीडियो डालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नवीन वलित पर्वत क्या होता है। फिलहाल आप याद रखिएगा कि अगर हिमालय पर्वत की बात कहा जाए तो ये एकदम नया पर्वत है, याद रखना, और नया कौन सा? वलित पर्वत है। तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। उत्तरी सीमा आप देख सकते हैं, उत्तर में कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगा, उत्तर सीमा पर केवल और केवल हिमालय पर्वत है, उधर से आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि भारी रुकावट आपको देखने को मिलेगा। तो हिमालय पर्वत जो है उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी, मैप में आपको दिखाते हैं, सिंधु नदी यहां से निकलती है और इस प्रकार से यहां से इस ओर से यहां पर देख सकते हैं सिंधु नदी है, ऐसे बहती है। तो सिंधु नदी आपको दिख रहा है, सिंधु नदी से लेकर के कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये सांगपो है और यही वाला नदी आगे चल के ब्रह्मपुत्र बनती है। तो यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है। टोटल लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। हजार की बात कर रहे हैं। चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर में 400 किलोमीटर है, तो कश्मीर में चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर है, जबकि आप अरुणाचल प्रदेश में आइएगा तो इसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है, 150 किलोमीटर, यानी ऊपर में थोड़ा चौड़ा अधिक है जबकि नीचे आते आते चौड़ाई क्या हो जाता है? कम। ये कुछ तलवार की तरह दिखता है, अगर यहाँ पर हम ऐसे हत्था लगा दें तो ये तलवार बन जाता है, तलवार। तो याद रखिए भारत में हिमालय की जो बनावट है वो तलवार की भांति दिखाई देता है। अब हिमालय इतना बड़ा है 2400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तो इसकी केवल चौड़ाई ही है, कहीं 150 किलोमीटर है, तो इसको एक बार में समझना मुश्किल है और इसीलिए इसे हम लोग अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो इसे हम लोग बांट सकते हैं, तो विभाजन का भी आधार है। विभाजन के कितने आधार हैं? विभाजन के दो आधार हैं। पहले आधार में हम इसे उत्तर से दक्षिण में बांटते हैं, ये रहा उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और फिर हम इसे बांटते हैं पूरब से पश्चिम, यानी पश्चिम से पूरब, तो ये रहा पश्चिम से पूरब। इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। अब आइए इसका नाम लिखते हैं। अगर हम इसको बांटें उत्तर से दक्षिण में और पश्चिम से पूरब में तो इसका नाम क्या होगा? सबसे जो उत्तर में है उसका हो जाएगा नाम ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो सबसे बड़ा हिमालय आएगा उसे हम बोलेंगे वृहद हिमालय। इसके बाद जो हिमालय आएगा उसे हम बोलेंगे मध्य हिमालय। इसके बाद जो हिमालय आएगा इसका नाम है शिवालिक हिमालय। अब आते हैं पश्चिम से पूरब में, सबसे पहले आएगा पंजाब का हिमालय, फिर आएगा कुमायूं हिमालय, फिर आएगा नेपाल का हिमालय, फिर आएगा असम का हिमालय। इन हिमालय में पंजाब को कभी कभी हम लोग कश्मीर हिमालय भी कह देते हैं, क्योंकि ये पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। अब ये चीज थोड़ा समझते हैं कि हम इसे ऐसा क्यों बांटे। तो अगर आप देखें तो ये है पहला वाला और ये वाला है दूसरा वाला। तो अगर आप पहले बात करें भौतिक संरचना के आधार पर, क्या बोलेंगे? भौतिक संरचना के आधार पर उत्तर से दक्षिण में, तो ये जो पहला वाला है ये है वृहद हिमालय, वृहद। इसके बाद आपको बीच में एक और पट्टी दिख रही होगी, ये वाली जो पट्टी है दूसरे नंबर में, कहीं चौड़ी है कहीं सकरी है, ये वाला है मध्य हिमालय, इसे ही हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय। दूसरा वाला का नाम लिख देते हैं मध्य हिमालय। और लास्ट वाला जो है तीसरा, जो ज्यादा डार्क ब्लू रंग में दिख रहा है, इसका नाम है शिवालिक, शिवालिक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें तीन, एक और चौथा जो है इसके पीछे है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस, ट्रांस हिमालय। ये हो गया उत्तर से दक्षिण में विभाजन, यानी ऊपर से नीचे के क्रम में। अब हम लोग इधर से जाते हैं पश्चिम से पूरब के क्रम में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग पश्चिम से पूरब के क्रम में पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो मिलेगा पंजाब का हिमालय, फिर मिलेगा कुमायूं का हिमालय, फिर मिलेगा नेपाल का हिमालय और अंतिम में मिलेगा असम का हिमालय। हिमालय का विभाजन हो गया। अब एक और 3D मैप को देखते हैं ताकि आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाता है। तो हम बात करेंगे ये वाला पहला वाला विभाजन, ये वाला, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये जो हिमालय है जिसे हम लोग ग्रेट हिमालय कहेंगे, ये महान हिमालय है, इसका नाम है वृहद, वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय जो है इसकी ऊंचाई थोड़ी अधिक है, आप देख सकते हैं इनमें ऊंचे ऊंचे पर्वत है। वृहद हिमालय के जस्ट आप बाद में आइएगा तो आपको मिलेगा मध्य हिमालय, इसका नाम हम लिख देते हैं मध्य हिमालय, हिमालय, ठीक है। और मध्य हिमालय जो है वृहद हिमालय से छोटा है, इसकी ऊंचाई बहुत छोटी, आप देख सकते हैं इसमें केवल छोटे छोटे पहाड़ आते हैं, और भी छोटे छोटे इसमें पहाड़ आएंगे, ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं आते।
वृहद हिमालय के बाद जो अगला बचेगा, लास्ट वाला, जिसमें कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं, केवल पत्थर होगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, वह वाला जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं शिवालिक। शिवालिक। तो इस तरह से हिमालय पर्वत का तीन भाग है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, और ये जो लास्ट वाला, ये तीसरा वाला। दूसरा वाला तो और नीचे यहां पर है, यहां पर है दूसरा वाला, और ये क्या है, तीसरा वाला। अब आपको समझ में आ गया वृहद क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप देखिए ना, ऊंचाई में बाकी सबसे क्या है, ऊंचा है, सबसे ऊंचा पहाड़ ये वाला, उसके बाद ये वाला दूसरा नंबर है, दिस वन इज फर्स्ट, ये वाला क्या है, ये सेकेंड नंबर है, और ये लास्ट वाला थर्ड। तो इस फोटो को स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, और तब आपको बाद में जब आपको वीडियो आएगी, तब जब हम हिमालय का डिटेल चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या चीजें बोल रहे थे उस समय और उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं। और इसके बाद जो पहले है, इसके पीछे जो क्षेत्र है यहां पर, ये वाला हिमालय है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो इस तरह से है हिमालय के चार भाग, ट्रांस हिमालय, फिर आता है वृहद, वृहद का मतलब बड़ा, वृहद हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, ये थोड़ा सा बीच में है, बड़ा है, और फिर लास्ट में आता है शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। तो ये रहा हिमालय के तीन भाग, और पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम में तीनों को ही जोड़ा जाता है। तो हिमालय का विभाजन कर दिया, लेकिन हिमालय का केवल विभाजन ही नहीं पढ़ना है, बल्कि इनमें डिटेल से अंदर घुसना है, कौन से बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो कहां पर मौजूद है, इनके बारे में भी पढ़ना है, और इनके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन भी करना है, तब जाकर के आप हिमालय को समझ पाइएगा। लेकिन वीडियो लंबा हो गया, आपको पूरा वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को और देखिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस को, और क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए, अगर आप क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहते हैं तो अभी क्लासेस डाउट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। पूरा वीडियो देखे हैं, आने वाले वीडियोस को देखिए, हमें कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई सुधार चाहते हैं तो वह भी जरूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।